यार ये हमें पीछे पड़ गई यार ना, इसको मैं बुलाया ना। और ये लोग दुआ वगैरह मांग रहे हैं चर्च के सामने। वी लव पाकिस्तान, रियली पाकिस्तान। इनका जो कैलेंडर है ना भाई, वो आम दुनिया से तकरीबन 8 साल पीछे है। उसने कहा मसाज सेंटर के अंदर भाई कैमरे लगे होते हैं। नर्स, यू आर नर्स? माय नेम इज शबीरा, नाइस टू मीट यू। ओके, नाइस टू मीट यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज जुमे का दिन है जी, और मैं इस टाइम मौजूद हूँ जी अदीस अबाबा इथोपिया में। मेरी बैक साइड पे आप हमारा होटल देख सकते हैं जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था जी। आज जुमे का दिन है तो सबसे पहला काम हमें जुमे पढ़ने का करना है। क्रिश्चियन जहाँ पे मेजोरिटी है, पहली दफ़ा लाइफ में हम मिनोरिटी बन के जुमा पढ़ने वाले हैं। इस साइड पे मस्जिद है, यहाँ पे करीब ही है। दरअसल यहाँ पे जो मस्जिद की कमी है और लोग नमाज पढ़ने वाले वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इवन कि हम बाज़ार में जब गए थे ना, तो वहाँ पे हमें ये भी देखने को मिला कि भाई लोग बारी से जमात करवाते, एक दफ़ा नमाज पढ़ के चले जाते, फिर दूसरी दफ़ा लोग आते हैं जो बाहर इंतज़ार कर रहे होते हैं वो दोबारा जमात करवाते हैं। इस तरह से ये सारा जी अदीस अबाबा का मेन सिटी सेंटर ही है तकरीबन, लेकिन जो मार्केट्स वगैरह हैं वो थोड़ा हट के दूर है यहाँ से। हल्की हल्की सी बारिश फील हो रही, पता नहीं अब कल यहाँ पे शदीद बारिश हुई थी भाई, लेकिन आज जो है ना मौसम है तो ख़राब ही, ठंडा ठंडा मौसम यहाँ पे एवरेज ठंडा ही रहता है। सो आप हैरान होंगे कि यार अफ्रीका में तो बहुत गर्मी होती है। हाँ ये अफ्रीका का रीजन ज़रूर है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे सर्दी भी होती है, कुछ में गर्मी भी होती है, सेम लाइक हमारे एशिया। ये देखिए यार वहाँ पर सिग्नल बंद है, वो आगे ये सॉरी ये वाली उंगली करनी, वो सामने सिग्नल जाम है और इतनी हैवी ट्रैफिक यहाँ पर खड़ी है ना, क्योंकि यार वन वे रूट तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक का बड़ा मसला रहता है कि अक्सर आपको ना ट्रैफिक जाम मिल जाएगा। अभी जुमे के खुतबे की आवाज़ आ रही, जल्दी जल्दी पहुँचते हैं भाई, वज़ू तो किया हुआ, टाइम नहीं लगेगा सर। ये देखिए सारी बिल्डिंगें बन रही हैं अभी। यार हम लेट हो गए, हमने जुमा मिस कर दिया। ये देखिए सारे लोग जुमा पढ़ के वापस आ रहे हैं, ये अपने घरों से जाए नमाजें लेके जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं था, हमने तो पाकिस्तान वाला टाइम समझा हुआ है कि अभी 1 बजे 2 बजे जुमा होगा, लेकिन यहाँ पे यार ना तकरीबन 12:00 पे हो जाता है जुमा। देखिए कितने ज़्यादा माशाल्लाह से लोग, दिल खुश हो जाता है जब भी आप मस्जिद में जाते हैं ना रश देख के। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। ये देखें सारे लोग जुमा पढ़ के निकल रहे हैं। ये सामने मस्जिद रही यार, मस्जिद भी कच्ची है, कोई खास पक्की नहीं है। आप देखें ना उन्होंने चादर से, लोहे की चादर से बनाया हुआ इसको और गुजारा किया हुआ, ये इस तरह का सीन है। देखो यार इस तरह की मस्जिद में भी इतना ज़्यादा रश, और हमारे आलीशान मसाजिद होती हैं और खाली पड़ी होती हैं बदकिस्मती से। ये देखिए नाज़रीन मस्जिद का इस तरह का सीन है, ठीक है। यहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ी अभी जुमे की, और ये मस्जिद के इमाम है जी ये जो जा रहे हैं सफ़ेद चोले में। यहाँ पे सहूलियात का फुकदान है भाई मस्जिद में, लेकिन फिर भी रश, इतना रश। लोग अपने घरों से जी बोतलें पानी की भर के ले आते हैं ताकि और लोग भी वजू कर सकें, ठीक है। ये देखें ये बारिशों का पानी खड़ा है, अभी सारी रात बारिश हुई है यहाँ पे, लेकिन इन लोगों ने कोई भी बहाना नहीं बनाया, इन्होंने नमाज़ पढ़नी थी तो भाई इन लोगों ने पढ़ी है नमाज़। ये है मेरे दीन की खूबसूरती। ये छोटी सी बच्ची है जी सीरिया से, माशाल्लाह। यू आर फ्रॉम सीरिया? ओ यू लिव हेयर? यहाँ पे ना सीरिया से भी लोग आए हुए हैं बेचारे मांगने के लिए, उनके मतलब कितनी उनके हालात कैसे हैं आप अच्छी तरह से जानते हो यार। हॉस्पिटल? ओ यार ये छोटी सी बच्ची उसके साथ और सीरिया से हैं यार ये दोनों। वो बोल रही कि जो उसका खामद है ना वो हॉस्पिटल में है यार, और सीरिया से वो लोग 3 साल हो गए यहाँ पे रहते हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं बेचारे। वो जो बच्ची और उसकी वालदा थी उनको पैसे हमने दे दिए, लेकिन वीडियो नहीं बनाई। अब आप ये मत कीजिएगा कि तुम विलेट और गए या कमेंट में गालियाँ निकालने लग जाएं, आगे आपकी मर्जी। ये एक मार्केट है जी, ये सामने रही मस्जिद और मस्जिद के साथ ही यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं जी, आपको ये लोकल खाना मिल जाएगा, आलू दाल और उसके साथ ही है ना इनकी रोटी की टाइप होती है ये वाली। ये देखें यार, सलाम अलैकुम। ये देखें जैसे ये बच्चा भी रोटी खा रहा है, ये वाली ये इनकी मकामी डिश है भाई। भाई यहाँ पे ना रोड क्रॉसिंग बहुत आसान है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा आसान है, पूरे अफ्रीका में ऐसे ही, सिर्फ इथोपिया वाली साइड पर ही है कि भाई जिधर से आपने गुजरना है ना जहाँ से भी लोग खुद ब खुद ही गाड़ी रोक लेते, वरना हमारे यहाँ तो जिंद को गड्डी आ रही बंदी आकड़े नहीं चाहती, बिच आकर मार दूँगा, बाकी सारे तो नहीं वेले मेरे, मैं ही मालिक हाँ रोड का। अभी मुझे टिकट खरीदनी है जाके। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। कितने हेल्पफुल लोग हैं भाई, वो गोप्रो का गिरा है ना तो उन्होंने कहा भाई यू लूज समथिंग, आप कुछ बोल रहे हो। सॉन्ग चले मैं चेक करूँगी। अच्छा मैं आपको बता दूं मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं मस्कल स्क्वायर जा रहा हूँ, वहाँ से ना यार क्या बोलूँ यार, अरब मिंचल की टिकटें खरीदनी है पीने वाली। यहाँ पे सारे मेरे बैक साइड पे ये औरतें हैं, अब लोग बैठे हैं सारे ड्रंक हैं।
यहाँ पे शराब पी रहे हैं भाई, ठीक है। हर जगह पे आपको शराब मिल जाएगी, और जो शराब पीते हैं ना उनकी, उनका एक मेजर साइन है कि उनकी स्पीड बड़ी ऐसा हो गया, आराम आराम से चलेंगे, सड़कों के किनारे ला के बैठे होंगे। ताना वाट लवे ना भाई, मेहरबानी कर, स्नैचिंग तो खैर पे यहाँ। हेलो हाय, हाउ आर यू? गुड। वो सामने सिक्योरिटी खड़ी है भाई, कैमरा डाउन। हेलो हाउ आर यू? आवाजें यहाँ पे लगती रहती हैं भाई यार, एक चीज बहुत परेशान करने वाली है। हाय हाउ आर यू? गुड गुड। वैसे कोरोना की वजह से लोग मास्क लगाते थे, लेकिन यहाँ पे भी मास्क लगाना मेरे ख्याल में जरूरी हो गया, क्योंकि यार इतनी ज्यादा स्मेल है उसमें शराब की। मैं आपको एक चीज दिखाऊं, यहाँ पे मसाज सेंटर है भाई, बहुत बड़ा है, ये देखो सामने। यहाँ पे भी लोगों के पास भाई VIP कार है। Yes. No, I'm from Pakistan. Pakistan. Yeah, you know Pakistan. Also, is the good camera. Yeah. Right. So you can vacation. Yeah. For tourists. Yeah, for tour. So why you ask translate? Because I know English very well. That's why I don't need any translator. Most of the Ethiopian people can speak English very well. That's yeah, why I don't English. Think. Even me, I speak French. Oh, you can speak French. Yeah, I speak Arabic. Let's speak some little bit for me. Okay, tu parles en français? What do you mean by this? You speak French means. Oh, you know Spanish. No, I speak Arab. Oh, Arab. Yeah. كيف حالك؟ تمام. كويس. Where from? أنا بتعلم في تعرف بلاد جيبوتي. Where from you learn? I'm learning from Djibouti. I'm graduate from Madagascar. Oh, you're so educated person, mashallah. Yeah. You're Muslim or Christian? I'm Muslim. Mashallah, I'm also Muslim too. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. My name is Samir. Oh, what are you doing here? He's my brother's son. Okay. You know? Yeah. Alpha, my father was being Spain. Okay. So no help us. Mm-hmm. We be found for my brother to sponsor. Mm-hmm. He get a scholarship. Mm-hmm. From Russian. Mm-hmm. So no can get any payment. Mm-hmm. The embassy asking by Ethiopian 100,000 birrs for mm-hmm. that. So our family is poor. Mm-hmm. Still now after graduation I'm not get the work. I'm going to Moscow Square. Where is Moscow Square? You know that? Moscow Square. Moscow okay, Square. I will show you. Where? In which direction I am? Okay, look again, you'll be back by here. How much day you came? We came here for 2 days. Oh yeah. Pakistan me I know only by moving. Yeah, this is massage center. Yeah. Secret massage. Yeah, secret. What is secret massage? It is no secret, just for Ethiopia now. Uh-huh. You give a lot to the government. Oh. But what's happening here? If I told you the secret things, uh-huh. So you have more things. What if you need a female? Uh-huh. By secret, that is not at the day. Female at the night. What? Female means burger, you know? Burgery? Burger means beach. Beach, yeah. There is no any kind of beach. Yeah, more beach. This secret of beach. Okay, this is a secret beach inside. Secret the, of beach. Inside of the room. Yeah. Yar, kamre ke andar samundar bana rakha. You know, see? Eh? You know, see the picture? You see the picture? Yeah, I see. I can see. Yeah, she make you message. Huh. And if you have a good payment, uh-huh. She give you everything. Everything like what? Mobile phone, SIM card. Mm-hmm. The secret. When if he told you, mm-hmm. if you speak about her outside, mm-hmm. she told for a media about your picture. Why you have secret camera? They have secret. Yeah, brother. Really? You really? You don't know that? No, I don't know. With the light, you have a secret camera. And they record everything. Yeah, everything. You'll be see you and you be everything about your name, your phone, how you switch it, which time you can. And they will blackmail me after. Yeah. That. Oh, really? Really? यार कितनी जबरदस्त बात बताई उसने, कहा मसाज सेंटर के अंदर भाई कैमरे लगे होते हैं, और जब एक दफा आप चले गए ना तो फिर बार बार जाना पड़ेगा आपको, फिर आप मोहताज हैं उनके। यार मस्को स्क्वायर की तरफ जाते हुए वो जिस स्ट्रीट से मैं गुजर रहा था ना, वो सारा VIP एरिया था, एम्बेसी वाला रोड था वहाँ पे। ये देखो जैसे गाना की एम्बेसी यहाँ पे, जैसे वो वहाँ पे न्यूजीलैंड की एम्बेसी थी, सामने पुलिस खड़ी थी, हम वहाँ से गुजर रहे, हाथ में हमारे कैमरा था भाई, वो बड़े अजीब और गरीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन बाबा अल्लाह ने बचा लिया, मुसीबत में नहीं फंसे, सारा कुछ छुपा लिया हमने कैमरे वगैरह ना। ये जी चौक है यहाँ पे, एक सिग्नल है वो हम क्रॉस करने लगे, वो पुलिस वाले गुजर रहे थे, आपने देखा उससे सीधा मेरे कैमरे को देख रहा था, लेकिन बचत हो गई। ये आपको शहर के अंदर से छोटी सी नहर गुजरती हुई नजर आ रही होगी, ये बारिशों का पानी आगे लेके जा रही सिटी से। ये देखें यार इनके पास पीटरों का और ट्रकों का सामान वगैरह सारा कुछ यहाँ पे मिल जाता है। ये सारी उस तरह की मार्केट है भाई, ये फर्नीचर वगैरह बनाने वाले आ गए। एक शॉप है जी, यहाँ पे हम लोग आए हैं और बिस्किट वगैरह लेने लगे हैं जी, और ये वाहिद खतून है जिसने बोला है कोई मसला नहीं आप वीडियो बना सकते हो, इसको वीडियो से एतराज नहीं, वरना मोस्टली यहाँ पे वीडियो नहीं बनाने देते। ओके सो आई वांट टू बाय पीस। ये 10 बीर का है, यानी पाकिस्तानी 50 रुपए का। एक चीज मैं बताऊं आपको, शायद हैरानगी भी होगी सुन के और देख के, यार जो आपने देखा था ना हमारी पुरानी पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म थी,
जो खाकी पैंट थी और उसके ऊपर ब्लैक शर्ट हुआ करती थी भाई। इथियोपियन पुलिस जो है ना, ये जो इनकी फेडरल पुलिस है, उसकी भी सेम वही यूनिफॉर्म है भाई जो हमारी पहले हुआ करती थी। अब तो चेंज हो गई ना यार। ये देखें, डेकोरेशन की शॉप्स हैं यार यहाँ पे, बिल्डिंग में सजा शीशे वगैरह और दिग्गर चीजें। और ये देखें कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है यार यहाँ पे, बहुत बड़ी बड़ी है यार और खूबसूरत माशाल्लाह। मतलब ये सब अफ्रीका में है यार, को बहुत ज्यादा नशे ही मिल जाएंगे। ये पीछे चर्च है और चर्च के बिल्कुल सामने यहाँ पे बैठे हुए हैं, ताकि जो है ना कोई अगर चर्च में आए तो ये इनको पैसे वगैरह दे दे। पीछे भी काफी बैठे हुए थे, अभी यहाँ पे तो उतने नहीं है। और ये सामने चर्च रहा और ये लोग दुआ वगैरह मांग रहे हैं चर्च के सामने। ये देख, ये सारा ईसाइयों का सामान पड़ा है भाई। हाँ, ये क्रॉस के निशान पड़े जी, ये बाइबल्स है मेरे ख्याल में। हेलो, हाउ आर यू। ये देखिए सारे क्रॉस, ये देखिए ये गंदम के दाने हैं जी, और ये है मूंगफली। नमस्ते नी सलाम। ओ यार पाकिस्तानी, नॉट इंडियन, पाकिस्तान, पाकिस्तान। व्हाट कर्जा, कौन कर्जा, कर्जा हाँ, वो क्या होता है, व्हाट कर्जा यार। ये अजीबो गरीब लोग हैं यार। यहाँ पे एक बीबी समोसे बेच रही है और चिप्स वगैरह आपको दिखाते हैं। समोसे और चिप्स वगैरह बेच रही है, चेक करें सर। नर्स, यू आर नर्स इन हॉस्पिटल, बट यू आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट हियर, इट्स अ पार्ट टाइम बिजनेस। पार्ट टाइम? नो, फुल टाइम। फुल टाइम? व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू हॉस्पिटल फॉर नर्स? नर्स नो जॉब? You have done education? Yes. Oh, वो बीबी कह रही कि मैंने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है, ठीक है, लेकिन ना जनाब जॉब नहीं मिल रही, जिसकी वजह से बीबी ने ये लगाया हुआ है। 20 चिप्स, ओनली फॉर 20। 20 बिट कम ले रहे हैं चिप्स इनसे। पुट सम मसाला, स्पाइस, स्पाइस, नो स्पाइस, साल्ट, या चिली, 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 या स्पाइस, मिक्स इट, हाँ मिक्स, या मिक्स, ऑलरेडी मिक्स, ऑलरेडी मिक्स, ओके ओके। नाजरीना, हम इस टाइम एक लोकल टी स्टॉल पहुंचे, यानी जो काफी वाला स्टॉल नहीं है वहाँ पे। देखें काफी की पैदावार तो यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। ये देखें आग अंगारे वगैरह रखे हुए भाई इन्होंने, ये छोटे छोटे कप प्यालियाँ पड़े हैं, और ये थर्मास है जिसमें काफी सर्व करते हैं। ये बिस्किट रहा और इनकी ये कोई बड़ी रोटी है। काफी की पैदावार यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। अंगारों पे जी बीबी काफी बना रही है जी, देखे जरा, उसने नीचे अंगारे वगैरह कोयले यानी रख दिए, ठीक है, उसके ऊपर उसने वो केचली रखी है, और अभी थोड़ी देर में काफी तैयार हो जाएगी। बात हुई ना भाई, इथियोपिया की ट्रेन जा रही है भाई। और ये देखें एक दुकान है यहाँ पे फूलों की, चेक करें भाई, को मिलेगी यहाँ पे ना, अक्सर औरतें ही काम करती हैं। यू पीपल आर सो गुड, या वेयर फ्रॉम यू लर्न इंग्लिश? यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, बट यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। तो भाई ये एक लोकल शॉप है जी, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ना ज्यादातर जो खवातीन है वही काम करती हैं, ठीक है, और ये चीज आपको कॉमन मिल जाएगी। व्हाट्स योर नेम बाय द वे? माय नेम इज शबीरा, नाइस टू मीट यू। ओके, नाइस टू मीट यू। Thank you so much. Thank you. Oh, thank you so much. Nice You're to welcome. Meet you. What's nice your name, by the way? Megbar. Oh, I so work in technology. Oh. We do develop. Your dressing is so nice. Thank you so much. Yeah. Nice. So you're here for a visit? Yeah. We are from Pakistan, by the way. Okay. Yeah. What do you do here? Just for tourism, visiting. You okay. know. You know. Yeah. Yeah. So in case any time that you're interested to come here and do a kind of business or anything that we can do together. From Pakistan to Ethiopia. Sure. Let me show you. I will happy to then. Work with you. Do you have visiting card? Yeah, I have. Thank really you so appreciate. Much. Nice to In meet you. In case you need anything around the city, I'm ready to help. Thank you so much. Your people are so good. Thank you so much. Oh, bhai, mujhe keh raha tha ki bus ke piche na bhai kuch phool wagera bichha ke us tarah dil banaya hua hai. To aap wahan pe jaake picture zarur lein. तो उसके दौरान उसने अपनी एडवर्टाइजमेंट भी कर दी, कहता कि मैं बिजनेस मैनेजर हूँ, बिजनेस एडवाइजर हूँ, जिस तरह प्रॉपर्टी डीलर होते हैं। ये हैं जी केले, अफ्रीका के केले कितने बड़े बड़े हैं। हाँ, किलो 60, 60 रुपये किलो, 60 रुपये का किलो। हाँ, वन दर्जन या वन केजी? वन डजन। हाउ मच फॉर 10 बनानास? 60 यूरो, यूरो नॉट बेर। 10 केले 60 दे, यानी पै गए तकरीबन 300 रुपये दे 10 केले जी। फुल फुल आई ट्राइड मका तो कॉफी। ओ हाउ मच प्राइस फॉर ईच वन? 50. Maybe we will come back because I have done breakfast and I have no space in my come back. Okay, thank you. 50 50
बेर की यहाँ पे काफी का कप है भाई। ये सारी लोकल मार्केट टाइप एरिया है भाई। अच्छा एक चीज इन लोगों में मैंने बड़ी अजीब सी देखी यार, ये कुत्तों का बड़ा करते हैं। हाँ होते तो हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा ही मैंने देखा यार। और यू माय फ्रेंड्स, ये देखे जी बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं और गगड़ा नहीं होते अपने बेंटे। ये देखे नाजरीन यहाँ पे मंडी वगैरह का एरिया, जिस तरह हमारे मंडी वगैरह नहीं लगती ये उस तरह का है। और यहाँ से मैं नीचे उतरना है और सीधा फिर मस्कत स्क्वायर की तरफ जाना है। अगर मैं भी यहाँ से जा रहा था, ये मुझे कुछ दोस्त मिल गए, भाई मिल गए, वो बोल रहे हैं कि हम भी इस्लामाबाद में रहे। मैंने कहा वो कैसे, कहते फिजिकली नहीं मेंटली। वी लव पाकिस्तान। रियली? पाकिस्तान इज रियली नाइस कंट्री, नाइस पीपल। यू आर आल्सो अ नाइस पीपल। आई रियली लव इथियोपिया। सो यू नो, so impressed by your behavior. All people here are so good. We are all human, lovely people. Thank you. Big vibe, my friend. Yeah. Welcome, brother. Nice to meet you. Goodbye to Pakistan. Bye. Nice to meet you, brother. Positive behavior है भाई लोगों का। और आपने एक चीज देखी है, इस तरह हाथ पकड़ के साथ कंधा मिलाना, ये इस तरह मिलते जैसे हमारे यहाँ जफ्फी डाली जाती है ना भाई, उस तरह यहाँ पे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो सामने जिस तरफ चर्च रहा है, चर्च के सामने वो कैबन बने हुए हैं, वहाँ से इजिली टिकट मिल जाती है। No? Just walking. ये सारे कमीशन वाले हैं भाई, अपना फंड लेते हैं, टिकट खरीद के अगर दें तो खुद डायरेक्ट लें, इनसे कभी मत लें। Nice to meet you. अभी मैं टिकट का पता कर लूँ यार। ये देखो सारे एजेंट मिल जाएंगे यहाँ। यार ये इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे कमीशन वाले खड़े हैं, अब पता नहीं इनसे कैसे बचा जाएगा यार। यार यहाँ पे रियली दिस इज़ अ लैंड ऑफ स्कैमर यार, पता नहीं इनसे कैसे बचत होगी आज। पता नहीं कि जस्ट सिम सेल वीडियो, नो प्रॉब्लम। और यू वेयर, हाउ मच मनी यू वांट? यार ये एमए पीछे पड़ गई यार, ना इसको मैं बुलाया। नाइस टू मीट यू। यस, व्हाट मेक्स पब्लिक बस यूनिक इज इट इज ओन्ड और जस्ट गवर्नड बाय द गवर्नमेंट, सो दैट ओके इट हैज अ ग्रेट डिस्काउंट। ओके हाउ मच? फॉर इंस्टेंस फॉर जिम्मा इट्स 950 बर फॉर विद दैट ऑफ प्राइवेट holders, how about in that one is 600? No, 5:30 is too much early. Yeah, so I will prefer to get this ticket at thank you. I see you have to, I can see yeah both screen yeah. Khair ji main yahan pe bus stop mein aaya baitha hu, ticket office mein aa gaye ji, bahar to bahut zyada scammer the, 680 bear mein yahan ki ek ticket mili hai जो कि मकाम में जो पाकिस्तानी तकरीबन 3000 रुपये बनता है, और 3000 रुपये दे रहे हैं 200 किलोमीटर के लिए, जो कि महंगा है लेकिन क्या कर सकते भाई, मजबूरी। हमें जाना था अरबा मिंच की डायरेक्ट बस नहीं मिली, कल की भी नहीं मिल रही भाई, परसों की मिल रही। तो मैंने कहा भाई इतना लॉन्ग स्टे करने से बेहतर है आज ही चले जाते हैं यहाँ से। बेचारा ये एजेंट जो भाई मैं लेके आया, और ये दूसरा टिकट होल्डर सारा ऑफिस है ये वाला। नाज़रीन यहाँ पे आके ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमें पता चली है कि ये लोग ना 2015 में फिर रहे हैं भाई, हम लोग 2023 में हैं, लेकिन ये फिर भी इतने एडवांस है। इनका जो कैलेंडर है ना भाई, वो आम दुनिया से तकरीबन 8 साल पीछे है। ये मेरी टिकट मेरे हाथ में ना भाई, इसके ऊपर 2015 लिखा हुआ है भाई। ये नाज़रीन एक राइड नाम की ऐप है, इसके थ्रू आप बुक कर सकते हैं टैक्सी वगैरह। तो अभी मैंने डाल दी होटल की लोकेशन, उम्मीद है वो पहुँच आएगा। ये भाई जो है ये स्टॉप का इंचार्ज है, वो भी हमारी काफ़ी हेल्प कर रहा है यार, बहुत अच्छी। यू आर सो गुड मैन। या थैंक यू सो मच। खैर जी हमारा खाना आ गया, आज हमने चिकन मंगवाया था, ठीक है, इंडियन रेस्टोरेंट पे बैठे हैं। ये तंदूरी रोटी है उसके साथ, ये सैलेड वगैरह, और ये बड़े चम्मच भी। आपको जो मैंने अभी खाना दिखाया था ना भाई, उसका बिल बना है तकरीबन 5300 रुपये भाई, अंदाज़ा लगा लो यार। यहाँ की करेंसी में 1062 रुपये बना। मैं आपको भी बिल भी दिखाता हूँ, ज़रा देख लीजिए। अभी सिर्फ यार 5000 रुपये में वो भी एक कप चिकन का, मतलब वो इतना कुछ ज़्यादा भी, एक पाव से ज़्यादा नहीं होगा वो। ये देखे यार, और पाकिस्तानी करेंसी में 5000 रुपये बन गए यार। 200 रुपये की एक रोटी देते हैं सिर्फ, तो फिर इतना बिल तो बनना ही था। क्या आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे भाई, अफ्रीका बहुत एक्सपेंसिव है यकीन करें। यहाँ पर अगर आए ना तो ठीक ठाक डॉलर लेके आएँ, पर इतने ठीक भी ना लेके आएँ कि आपको इमिग्रेशन से ना गुजरने दें। बाकी अगर कोई बात पूछनी हो तो मेरा इंस्टाग्राम हज़र आप आ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में एक चैनल की लिंक दी है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए।